नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाचार में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों में आज भी गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी राहत। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आज मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार आंशिक रूप से आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे लोगों को फिर से गर्मी से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी सहित दूसरे हिस्से मौसम साफ होने की संभावना है। राज्य में आंधी और बारिश की वजह से तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री तक गिर गया। दो दिनों बाद अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। फिलहाल गर्मी से राहत जारी रहेगी। दूसरी तरफ प्रदेश के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से मध्यम श्रेणी में है। चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर बात करें सबसे पहले वाराणसी की, तो वाराणसी में अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हल्के बादल यहां भी छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से यहां भी बादल छाए रहेंगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां मौसम आपको बता दें कि दो दिनों बाद बदलने वाला है। फिलहाल आपको बता दें अभी मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्के बादल यहां भी छाए रहेंगे। कहीं कहीं गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है। अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में हल्के बादल यहां भी छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से यहां बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अगर बात करें मेरठ की, तो मेरठ में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम यहां साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया है। वीडियो के आखिर में अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आपको बता दें आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ बारिश या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।